अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सामिया हेयर। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने सिस्टेमिक सर्जरी को फाइनल ईयर MBBS में किस तरह से कवर करना है और किस तरह से आपने इसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने जो एडिशन लेना है वो रीसेंट एडिशन हो, मतलब मेरी दफ़ा सेकेंड एडिशन था तो मैंने ये मेरे पास यही बुक है। इसके अलावा मैंने इसके लिए मोस्टली जो बुक फॉलो की थी वो अब्दुल वहाब डोगर ही थी। जैसे मैंने जनरल सर्जरी पे भी एक वीडियो बनाई, उसकी भी मैंने डोगर ही मोस्टली फॉलो की थी। कुछ ही चीज़ें थी जो मैंने बेले एंड लव से पढ़ी थी, मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें बेले एंड लव से पढ़नी है। अब मैं आपको वन बाय वन ये गाइड कर देती हूँ कि किस तरह से आपने इसे कवर करना है। अब जो हमारा ये ऑर्थोपेडिक्स वाला पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन में से ही हमारे पास एक SEQ मस्ट आता है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप पूरे का पूरा जो पोर्शन है या बिल्कुल छोड़ दें। अब मैं बताती हूँ कि इसमें से मैंने कौन कौन सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं जो पढ़नी ही पढ़नी है, कौन से आप स्किप कर सकते हो। सबसे पहले इसे जनरल एक फर्स्ट पेज में रीड दो, उसके बाद ये इसका सेकेंड पेज है, इसमें ये एक इंपॉर्टेंट है ओपन एंड कंपाउंड फ्रैक्चर, इसका UQ आ जाता होता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इसका UQ आ जाता है, बाकी जस्ट एक जनरल रीड है। उसके अलावा ये जो क्लासिफिकेशन है ये वैसे कभी आई नहीं है लेकिन वाइवा में पूछ लेते हैं, ये सेल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रोथ प्लेट इंजरीज, ये पूछ लेते होते हैं वाइवास में, इसके अलावा कभी इसका कोई SEQ वगैरह नहीं आया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है कि हमने डायग्नोसिस कराते हुए किस तरह से जॉइंट को देखना है, रूल ऑफ टू, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लें अच्छे से। बाकी इसे ये इसमें इंपॉर्टेंट है वॉल्कमैन स्कीमिया या कंपार्टमेंट सिंड्रोम, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, इसी का दूसरा नाम ये है। इसके अलावा ये जस्ट अब आपने ना क्या करना है कि जो कॉम्प्लिकेशन है ना इन्हें एक आधी कॉम्प्लिकेशन को पकड़ के अच्छा सा रटा मारना है, वो आप हर जॉइंट की कॉम्प्लिकेशन में लिख सकते हैं, मतलब डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, मेल यूनियन, जॉइंट स्टिफनेस, इस तरह से एक दो जो कॉम्प्लिकेशन दी हुई ना जॉइंट्स के आगे उन्हें रटा मार लें अच्छी तरह, वो आप किसी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसे भी जस्ट एक रीड दे लें। उसके बाद ना जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है ना वो यहाँ से है, प्रिंसिपल ऑफ द फ्रैक्चर मैनेजमेंट। अब आपने इसे एक अच्छे से याद करना है और एक सीक्वेंस बना लेना है, मतलब एक हमारे पास चीज़ होती है रिडक्शन, एक होती है स्टेबलाइजेशन, एक होती है रिहेबिलिटेशन, मतलब इसका निमोनिक RSR याद रख लें। और रिडक्शन स्टेबलाइजेशन या फिक्सेशन और रिहेबिलिटेशन होती है, रिडक्शन में क्लोज रिडक्शन होती है, ओपन रिडक्शन होती है, ये दो इसके रिडक्शन के फर्दर पॉइंट्स हैं। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन होती है और फिक्सेशन होती है, इसमें जो होते हैं सप्लिंट यूज़ किए जा सकते हैं, कास्ट यूज़ की जा सकती है, और इसके अलावा स्क्रूज वगैरह, मतलब कि जैसे वो कील वगैरह नहीं होते उस तरह से के स्क्रूज होते हैं जो बोन को आपस में एक दूसरे के साथ मिला के उनकी जगह पर रखने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद ट्रैक्शन है लास्ट पे, कंटिन्यूस ट्रैक्शन इज अप्लाइड टू द लिम्ब डिस्टल टू द फ्रैक्चर। अब इसमें ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं हम स्टेबलाइजेशन फिक्सेशन में कि ये अपनी जगह पर रहे, इंटरनल फिक्सेशन करा देते हैं और एक्सटर्नल। अब ये आपने पढ़ लेना है कि इंटरनल फिक्सेशन, इनके नाम अच्छे से याद कर लें, बाकी रीड कर लें तो वो मोर देन एनफ है। और उसके बाद ये है कि वायर के थ्रू भी हम इसे फिक्स कर सकते हैं, इंट्रामेडुलरी नेल्स यूज हो सकते हैं, नेल्स मतलब कील टाइप होते हैं, और एक्सटर्नल रोटेशन वगैरह भी करा सकते हैं और एक्सटर्नल फिक्सेटर्स वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट पे हमने पढ़ा था पहले कि तीसरा पॉइंट इसका रिहैबिलिटेशन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसे वापस लाइफ की तरफ लाने के लिए जितनी मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं वो कर लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका सेकंड चैप्टर है डिसलोकेशन ऑफ फोल्डर जॉइंट, की हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट UQ है, ये तो आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, ये तो बहुत दफ़ा रिपीट हो जाता है। उसके बाद इसे भी एक रीड दे लें, इसे भी एक रीड दे लें, रीड आपने पूरा चैप्टर करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट निशान ज़रूर लगा रही हूँ लेकिन ये नहीं है आप कुछ स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस इन चाइल्ड, ये भी हमारे पास UQ है, ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद ये जस्ट इसे रीड कर लें, इसे भी रीड कर लें, इन्हें जस्ट रीड करने का मतलब ये है कि जो आपके पास MCQ पॉइंट है उन्हें निशान लगा लें। इसके अलावा अगर इसके क्वेश्चन के साथ एक आधा छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता होता है तीन पार्ट्स में करके, तो उसमें एक आधी ऐसी चीज़ पूछ लेता है कि कूलीज फ्रैक्चर क्या है, इसे डिनर फोक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, ये भी अभी पता होना चाहिए। उसके बाद स्केफाइट का फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ द रिस्ट बोन क्या है, स्केफाइट का होता है, ये MCQ में आ जाता है, इसलिए रीड करना है सारा और MCQ वगैरह को हाईलाइट करना है। फिर है फ्रैक्चर ऑफ द लोअर लिम्ब, इसमें ये इंपॉर्टेंट है पहले वाला, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ना पूरा का पूरा UQ आ जाता होता है लेकिन आपने इसे एक दफ़ा अगेन रीड करके ना इसमें मेजर मेजर चीज़ें याद रख लेनी है कि इंटर कैप्सुलर फ्रैक्चर है तो उसे किस तरह से हमने मैनेज करना है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर है तो उसे किस तरह से मैनेज करना है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन ये सारा नहीं पढ़ना आपने, मतलब पढ़ना सारा याद नहीं सारा करना। ओपन फ्रैक्चर जो है टीबिया में, टीबिया इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द ओपन फ्रैक्चर, इस तरह से इससे भी एज MCQ पढ़ लें। फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस, इसे भी आपने एक रीड देनी है, इधर ये पता होना चाहिए ओपन ब्रूक फ्रैक्चर कौन से होते हैं, इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये याद कर लें, टाइप ए टाइप बी टाइप सी, इसे जस्ट एक रीड दे लें।
और फिर ये जो है ये अगेन हमारे पास एक यूक्यू है, डिवेलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप। ये भी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से जस्ट एक रीड देना, यहाँ तक इसे अच्छे से याद करें शुरू से लेकर यहाँ तक, यहाँ से जस्ट एक रीड दे दें। उसके बाद इन्हें भी जस्ट रीड देनी है, इनमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बोन ट्यूमर, बोन ट्यूमर आपने फोर्थ ईयर में बहुत अच्छे याद किए हुए हैं, इसे जस्ट इसे एक रीड देंगे ना, इनमें कुछ नया नहीं लिखा, सिर्फ वही है। बोन ट्यूमर्स में मतलब ये है कि ये मशरूम शेप होता है जो ये है, और जो ये वाला है इसमें क्या होता है, सन रेज आ रही होती हैं ऑस्टियोसारकोमास में, इस तरह से इन्हें याद करना है। इन्हें रीड कर लें, इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू में ही आते हैं, कोई एससीक्यू नहीं आता इनमें से। और इसकी इसके अलावा लोकेशन पता होनी चाहिए, ये भी हमारे पास एमसीक्यू ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद ये भी हमारे पास सिर्फ एमसीक्यूज़ में आते हैं, मतलब इन पर कभी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। इस पर यूक्यू लिखा हुआ है, ये यूक्यू याद कर लें, शायद किसी साल में आया हो। इसके अलावा सेप्टिक आर्थराइटिस ये भी अच्छे से याद करें। इसके अलावा स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस, ये तो हमारे पास यूक्यू आ चुका है, दो दफ़ा आ चुका है, ये आपने अच्छे से करना है। मतलब आप इस पोर्शन को छोड़ नहीं सकते, आपने एक रीड लेनी है, लेकिन ये बहुत ईजी है। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा रीड कर लेंगे ना, तो मोर देन एनफ है। इसे भी एक दफ़ा रीड दे लें, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लें। इसके अलावा ये इसका निमोनिक उन्होंने खुद ही दिया हुआ है। उसके बाद पेरिफेरल नर्व इंजरीज, इनमें से जो है ना हमारे पास, ये तो आपने याद कर लेनी है, ये थोड़ा बहुत एमसीक्यू में आती हैं ये दोनों, पर आपने सारा ही लेना है एक दफ़ा। एक्सटेंसर फ्रैक्चर ये सारा एक दफ़ा रीड करना है। उसके बाद है डीजनरेशन ऑफ बोन डिजीज, ये जो है इसे भी एक रीड दे लें। ये आप वो ना मेडिसिन में बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, इसलिए आपको इजीली पता लग जाता है अगर फॉर एग्जांपल पेपर में आ भी जाए, लेकिन ये आया कभी नहीं है हमारे पास सर्जरी में, ये सेम वही लिखा हुआ है जो हमारे पास मेडिसिन में दिया हुआ है। ये जो है ये इसमें आ जाता होता है, ये पूछ लेता होता है ब्रुकटन कंट्रैक्चर क्या, ये याद कर लें। इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम ये पढ़ लें, बाकी ये वही है सर्जरी वाला। इस तरह से हमारा ये ऑर्थोपेडिक्स का पोर्शन कवर हो गया। अब जो हमारे पास ये है ना नेक्स्ट वाला अपर जी आई टी, अब हमारे पास दो क्वेश्चन आने हैं अपर जी आई टी में से, दो आने हैं लोअर जी आई टी में से। इसमें से तो मैं आपको खोल के चैप्टर भी नहीं बताऊंगी, मतलब आपने वर्ड टू वर्ड ये पूरे के पूरे पोर्शन करने हैं अगर आपने डोगर से करने हैं तो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूक्यूज़ में रिपीट होते हैं, वो आप ऐसा करें लवन पहले खोल के उसे एक दफ़ा रीड कर लें, लेकिन तब आपने रीड करना है जब आपका आप सोचें कि डोगर आपने हिफज कर लिया ना, उसके बाद आप जाकर उससे रीड कर लें, और उसमें जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना वो इस पर नोट डाउन कर लें। उसके बाद लोअर जी आई टी है, लोअर जी आई टी में भी अगेन हर चीज़ बहुत अच्छे से करनी है। यूक्यूज प्रेफर करें कि पहले आप यूक्यूज करें, मोस्ट ऑफ द टाइम वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो पहले आए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने ये पूरे के पूरे पोर्शन करने होते हैं, और दो क्वेश्चन ही यूरोलॉजी में से आते हैं, इसलिए आप ये तीनों पोर्शन जो है ना ये तो आपको हिफाजत हो जाने चाहिए ना फाइनल ईयर के पेपर देने के लिए। और इस वाले को जस्ट एक ईयर देनी है आपको, वो भूलेगा भी नहीं, लेकिन इन तीनों को बहुत अच्छे से करना पड़ता है और फुल टाइम गेनिंग है, ये टाइम देना पड़ता है। तो आपको चाहिए कि अपना स्केड्यूल अच्छा बनाएं कि आप एंड तक अच्छे से कवर कर सकें। उसके बाद थायराइड वाला चैप्टर है, ये भी ज़रूर करना है, मतलब इसमें से एक ऐसे क्यों मस्ट आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 80% जो है यूक्यूज़ में से सवाल आ जाता है हर दफ़ा, तो इसलिए इसके यूक्यूज़ करने पहले दो जो चैप्टर हैं इन्हें तो आपने पूरा पढ़ लेना है, कुछ नहीं छोड़ना। बाकियों में से आप जस्ट ये भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट कर लें, मतलब पहले दो फुल पढ़ने हैं, उसके बाद एक दफ़ा रीड करें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि थॉरेक्स है और कार्डियक सर्जरी है। अब हम थॉरेक्स और कार्डियक सर्जरी और इससे आगे, मतलब अब ब्रेस्ट है ना, इसमें से भी एक ऐसी क्यों आना है, इसमें से भी एक ऐसी क्यों आता है, और इसके अलावा न्यूरो सर्जरी में से भी एक ऐसी क्यों आता है, और हेड एंड नेक में से भी एक ऐसी क्यों आता है। और अक्सर औकात तो ये होता है थॉरेक्स में से अलग सवाल आ जाता है, कार्डियक सर्जरी में से अलग सवाल आ जाता है, नहीं तो हेड एंड नेक में से दो दे देता है, मतलब हेड के क्वेश्चन अलग से मेंशन कर देता है और नेक का क्वेश्चन अलग से मेंशन कर देता है। अब हम आगे जाके देख लेते हैं थॉरेक्स और कार्डियक सर्जरी को हमने किस तरह से करना है। ठीक है, जो है यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 6 है, यहाँ से हम देखते हैं, इसे आपने फुल रीड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके TNM क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है अच्छे से। उसके बाद ये सारा रीड तो इसे सारा करना है, क्योंकि इसमें से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, थॉरेक्स का अलग आ सकता है, कार्डियक सर्जरी का अलग आ सकता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म, ये आ जाते होते हैं, एओर्टिक डायसेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, ये तो यूक्यू है, ये बहुत दफ़ा आया है। इसके अलावा इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो है ना ये एक एक दो दो हैं, मतलब इसका ज़्यादातर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आते ही ये है कि टेयरिंग इंट्रास्केपुलर पेन है, तो वो हमेशा एओर्टिक डायसेक्शन की पेन होती है, इसके अलावा ये किसी की पेन नहीं होती है।
उसके बाद ये भी आपने स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स, इनमें आपको डिफरेंस आना चाहिए कि नीमोथोरेक्स में, स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स में क्या फ़र्क है, टेंशन नीमोथोरेक्स में क्या फ़र्क है, और ये आपका वो मेडिसिन से भी पोर्शन कवर होता था, तो अब आपको एट द एंड ऑफ द टाइम बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि स्पॉन्टेनियस कौन सा होता है, टेंशन कौन सा होता है, और ओपन कौन सा होता है, क्लोज नीमोथोरेक्स कौन सा होता है, ये आपने अच्छे से करना है। लंग एब्सेसिस से एक दफ़ा रीड दे लें, कालोथोरेक्स से भी जस्ट एक दफ़ा रीड दे लें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये जो ये है ना, ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूक्यू में आ जाता है, टेस्ट इंट्यूबेशन ट्यूब थोरेक्टोमी कहते हैं, इसकी इंडिकेशंस भी आ जाती होती हैं, इसके अलावा इसके स्टेप्स आ जाते होते हैं, ये अच्छे से याद कर लेने हैं, ये मेडिसिन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये फिर अच्छे से करना है इसमें। उसके बाद कार्डियक सर्जरी आ जाएगा, ये इसमें से ये जो ये है ना इंडिकेशन, ये इसे कैबेज कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से जो हो रहा है हमारे पास कैबेज, इसके अलावा इसकी ये इंडिकेशन याद कर लें, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है। उसके बाद इनके जस्ट नाम भी आपने एक दफ़ा रीड सारा करना है, उसके बाद एंड पे नाम अगर आप याद कर लें तो वो काफ़ी होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं, क्योंकि पेपर में इतना टाइम भी नहीं होता और इतना ज़्यादा वो पूछता भी नहीं है, वो खुद इन लिस्ट का वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर देता है। उसके अलावा इसमें से MCQ ही आते हैं, यानी ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पीड्स का है, वैल्यूलर हार्ट डिजीज़ पीड्स में ज़्यादा पूछते हैं, मेडिसिन में थोड़ा बहुत MCQ, और इसमें भी MCQ ही आता है, इसमें से कभी फुल क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, इसमें भी जस्ट एक दफ़ा रीड कर लें, इसमें से भी MCQ आता है, ये हो सकता है कि वो पूछ ले, इसकी कंपोनेंट्स पूछ ले, लेकिन बाकी ये एज MCQ ही आते हैं। उसके अलावा ब्रेस्ट वाला तो हमने शुरू से लेके एंड तक सारा ही करना है, क्योंकि इसमें से एक कैसे क्यों आना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ईजी भी है, तो इसे नहीं आप छोड़ सकते। उसके बाद है हमारे पास न्यूरोसर्जरी जो है, इसमें से आपने ये सारा रीड करना है, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं, UQs भी आते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए मिडल फोसा फ्रैक्चर में क्या हो रहा है, इंटीरियर फोसा में इसमें क्या हो रहा है, ब्रेन इंजरीज को आपने अच्छे से पढ़ना है, ये तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ये टेबल, क्योंकि वो इसके डिफरेंट पॉइंट्स दे के पहले SCQ में डायग्नोज कराता है कि उसका हमारे पास स्कोर क्या बन रहा है, उसके बाद फिर वो इसका ट्रीटमेंट पूछता है। ट्रीटमेंट आपने जब भी इसका स्टार्ट करना है ना, मतलब इसमें आपको पता लग जाएगा कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा या सब ड्यूरल हिमाटोमा है। इसका एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये था कि इसमें टेम्पोरल बोन अगर इन्वॉल्व होगी ना किसी ट्रॉमा में तो वो एक्स्ट्रा ड्यूरल होगा, उसके अलावा इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुई होगी हमेशा, लेकिन ये जो हमारे पास ये होगा ना सब ड्यूरल हिमाटोमा, इसमें बंदा सेमी कॉन्शियस होगा। हमने इसका ट्रीटमेंट देखना है तो रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर से स्टार्ट करना है, ये पॉइंट सारे आपने वन बाय वन इसके ट्रीटमेंट में लिखने हैं। उसके बाद आपने ये भी लिखना है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट, ये सारा कुछ करने के बाद आपने ये जो ये एंड पे ट्रीटमेंट दिया हुआ ना ये पैराग्राफ, ये भी आपने दोनों में लिखना है, चाहे वो सब ड्यूरल आए चाहे वो एक्स्ट्रा ड्यूरल आए। उसके बाद ब्रेन डेथ, इसे भी एक दफ़ा रीड करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये रिफ्लेक्सिस, तो वो UQs में एक दो दफ़ा पूछ चुका है, तो ये आपको रिफ्लेक्सिस के अच्छे से आने चाहिए, खासतौर पर ये जो है ना एबसेंस ऑफ द ऑल ब्रेन स्टेम फंक्शन, ये वाले रिफ्लेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे सारे याद करने हैं। उसके बाद ये बेशक रहने दें ना रीड करें। उसके बाद इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स को भी एक रीड दे लें, इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आया तो कुछ नहीं है, MCQ वगैरह आता है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है सनसेट साइन है, उसमें इंक्रीज हेड साइज भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसे जस्ट एक रीड दे लें, इस वजह से मोस्ट ऑफ द MCQ ही आता है, इसे भी जस्ट एक रीड दे लें, इसे याद करने की जरूरत नहीं था। उसके अलावा ये हमारे पास UQ है अगेन, प्रोलैप्स ऑफ द इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, इसका हमेशा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वो कोई भार उठाता है इंसान और अचानक से उसकी कमर में दर्द शुरू हो गया, मतलब कोई सीमेंट उठा रहा है, कोई बोरियां वगैरह उठा रहा है तो अचानक से उसकी कमर में दर्द शुरू हो गया, तो हम उसे कहेंगे जी इसका प्रोलैप्स इंट्रावर्टिब्रल डिस्क हो गया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास हेड एंड नेक, इसके ये जो तीन चैप्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट लिप, इसका भी आ जाता होता है MCQs में मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी हम देख लेते हैं इसमें। इसमें ये तो हमें करना ही करना है, रेन्युला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सेलिडिनाइटिस सेलोलिथियासिस, ये 2022 का जो SCQ है ये था, ये आपने अच्छे से करना है, इसकी कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। ट्यूमर ऑफ, ये आपने सारा करना है, मतलब ये इसमें से आपने चीज़ें छोड़नी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा ये जस्ट एक रीड दे लें इस वाले पोर्शन को, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेज सिंड्रोम ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लें। उसके बाद ट्यूमर, ये भी आपने एक दफ़ा अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ओरल कैंसर की डिफरेंट फॉर्म्स आ सकती हैं पेपर में। और इसके अलावा ये भी लिप कैंसर टंग कैंसर ये सारा करना है, इसके अलावा ये जो मैनेजमेंट ऑफ द नेक इन द ओरल कैंसर है ये करना है, इसमें ये लेवल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले लेवल्स इनकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। इसके अलावा ट्रीटमेंट एक दफ़ा रीड कर लें और ये भी एक दफ़ा देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक स्वेलिंग्स की बात आ रही है, नेक स्वेलिंग्स भी एक अलग से UQ आ जाता होता है कि डिस्कस नेक स्वेलिंग्स वगैरह,
तो वो आपको पता होनी चाहिए कि ब्रेकियल सिस्ट में क्या डिफरेंस है, थायराइड अगर स्वेलिंग है तो उसमें क्या डिफरेंस है, उसके अलावा इससे भी एक दफ़ा रीड ले लें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें ना इसके ये ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है ना मैनेजमेंट की, कि 6 मंथ पे करते हैं तो ये है, इसके दो मेलार्ड टेक्निक है और टेंसिलन रेंडल टेक्निक है। इसके अलावा क्लेफ पैलेट में प्लेटोप्लास्टी कराते हैं, ये 18 मंथ पे कराते हैं, ये क्लेफ फ्लिप 6 मंथ पे, इसे भी एक रीड ले लें, इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा इसमें ये MCQ आ जाते होते हैं कि ये LIF-41 टाइप है, 2 है 3 है, इसे एक दफ़ा अच्छे से रीड करें, ये बहुत ईजी है, एक दफ़ा रीड करेंगे तो इसे एक दफ़ा देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक ट्रोमा, इसे भी एक दफ़ा रीड कर लें, वैसे ऐसा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, और लास्ट वाला चैप्टर तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे नहीं करते और मैंने भी नहीं किया था। थैंक यू सो मच, अगर आपको इसमें अभी भी कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल आंसर देयर। थैंक यू सो मच।